हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेरिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिश और बर्ड का जो प्रॉब्लम होता है, रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का जो एक टॉपिक आता है, ठीक है, क्वेश्चंस बन के आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका बहुत सारा केस बनता है लेकिन हम लोग दो केस याद रखेंगे, ठीक है, कौन किसको देखा, ठीक है, बस इतने से याद रखना है। और इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मैं समझाता हूँ, तब तक लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का बात कर ले कि रियल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, मान लो ये कोई क्वाइन है, ठीक है, इस क्वाइन को ये है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर देख रहा है, एयर से देख रहा है, ठीक है, या फिर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यूवर, मतलब कोई रेयरर मीडियम है वहां से देख रहा है, ठीक है, कोई रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ देख रहा है। तो यहां से रे ऑफ लाइट निकला, इसके आंखों में गया, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट यहां से निकला, ये रे ऑफ लाइट इधर गया और बेंड किया, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, और ये किधर बेंड करता है, तो इसका एक इमेज का परसेप्शन यहाँ पे बनता हुआ बन रहा है, ठीक है। तो मतलब ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये क्वाइन का जो इमेज है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ठीक है, लेकिन हाँ, तो ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जितना ऊपर उठता है इसी को बोलते हैं क्या, शिफ्ट बोलते हैं, कितना शिफ्ट हो गया, ठीक है। और जब इसका फॉर्मूला हम लोग फाइंड करते हैं कि अपेरेंट डेप्थ, ये रियल डेप्थ है, डी जो होता है वो रियल डेप्थ होता है, और अपेरेंट डेप्थ होगा यहाँ पे डी डैश, मतलब कितना ये सरफेस से हम लोग डी डैश को नापते हैं और डी को नापेंगे, ठीक है, सरफेस से कितना जो इमेज है वो उठा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। चलो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये म्यू आई बाई डी म्यू आर बाई डी डैश होता है, सिंपल सा बात है। लेकिन हम लोग डी और डी डैश को कैसे मेजर करेंगे, ये जो इंटरफेरेंस पॉइंट है इस पे, यहां से हम लोग डी डैश और डी को मेजर करेंगे, ठीक है, ये पहली बात। अब म्यू आई क्या होगा, म्यू आई देखो, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहां से रे निकलेगा, ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहां से रे निकलेगा, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहां से रे निकलेगा, तो वो जो मीडियम होगा उसको बोल देंगे म्यू आई। कहां पे गया ऑब्जर्वर, कहां पे है, रेयरर मीडियम में, तो ये क्या हो जाएगा म्यू आर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो हम लोग जो रे निकालते यहां से निकालते रेयरर मीडियम से, तो ये रेयर म्यू आर ही म्यू आई बन जाता, ठीक है बात। तो ये सब इंटरचेंज होता रहता है, इसमें भी इसी तरह का इंटरचेंज होता है, लेकिन मैंने इसको सिंपल तरीके से एक फॉर्मूला में सेट करके दर्शाया है, ठीक है, एक बार समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे कि अपेरेंट पोजीशन ऑफ द फिश विथ रिगार्ड टू बर्ड, ठीक है, फिश का पोजीशन विथ रिगार्ड टू बर्ड, देखो इस डायग्राम को पे गौर करो, फिश का पोजीशन कितना है, क्या है, म्यू एफ, ठीक है, म्यू एफ किसके रिगार्ड में, बर्ड के रिगार्ड में, ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि अपेरेंट पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश, फिश का इमेज बर्ड ने कैसे, मतलब कितने डिस्टेंस पे देख रहा है, ठीक है, वो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखो, इसका सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में पूछा वैसा ही लगाना है, किसने देखा, किसने देखा, ऑब्जर्वर कौन है, यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन है, विथ रिगार्ड टू बर्ड, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड है, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला को सेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपेरेंट पोजीशन ऑफ फिश विथ रिगार्ड टू बर्ड, अपेरेंट पोजीशन ऑफ फिश विथ रिगार्ड टू बर्ड, जैसे कि हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं वैसे ही मैं फॉर्मूला सेट किया हूं, ठीक है। जिसको जो ऑब्जर्वर है उसका म्यू लिख दो, मतलब जो देखा उसका म्यू लिख दो, ठीक है, जो देखा उसका म्यू लिख दो, और क्या करना है, एक्स बी बाई म्यू बी और एक्स एफ बाई म्यू एफ, मतलब एक्स बी ये बी को क्या दर्शाते हैं, बर्ड को, ठीक है, और f क्या है, यहाँ पे फीस का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो xb by μb xf by μf हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, xb ऊपर रहेगा कि μb ऊपर रहेगा, कौन ऊपर रहेगा, सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ऊपर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस, मुझे बताओ, ये तो ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, म्यू बी और म्यू एफ भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, तो बचा दो डायमेंशन, दो एक जो डायमेंशन का एक रूल होता है कि दो सेम तरह के डायमेंशन को जोड़ने से सेम तरह का रिजल्ट आता है, तो मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस,
तो हमें डिस्टेंस वाले को ऊपर रखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेम उसी तरह से अब देखो, बस तुम्हें अब ये चेंज करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, किसने देखा, ठीक है, यहाँ पे बर्ड ने देखा तो यहाँ पे म्यू भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट का, जैसे कि देखो कि मैंने यहाँ पे बोला कि बर्ड ने देखा, ठीक है, मतलब जो देखा उसका म्यू लिखना है, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जो देखा उसका म्यू लिखो, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, उसका म्यू लिखना है। तो देखो, apparent position of bird with regard to fish, मतलब बर्ड को देख रहा है, कौन देख रहा है, फिश देख रहा है, तो यहाँ पे फिश क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो ऑब्जर्वर होगा वही म्यू एफ होगा। तुम्हें अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि apparent position of bird with respect to fish, कुछ नहीं देखना, इतना कुछ लिखना भी नहीं है, म्यू एफ लिखो, ठीक है, और बाकी जितना भी ऑब्जर्वर है, जितना भी जो कुछ भी यहाँ पे महाभारत लिखा है उसको एक्स बी बाई म्यू एफ, एक्स एफ बाई म्यू एफ, एक्स बी बाई म्यू बी, या फिर और महाभारत दे दे यहाँ पे, और भी कुछ दे दे, और भी दूसरा मीडियम दे दे, म्यू एफ दे दे, कोई और दूसरा मीडियम दे दे, तो इसको भी ऐसे ही प्लस में करते हुए लिखते जा सकते हैं, ठीक है। बस याद रखना कि कौन देख रहा है, ठीक है, बस याद रख क्या रखना है कि कौन देख रहा है, ठीक है, कौन देख रहा है, बस इतना याद रखना है, और ये फॉर्मूला डायरेक्शन हो जाएगा। देखो अब इसमें कंपेयर करो, दोनों में कंपेयर करो कौन, दोनों में ये सारा चीज सेम है, ये सारा चीज सेम है। अगर कभी भी रेशियो निकालने के लिए बोले कि अपेरेंट पोजीशन ऑफ फिश विद रिगार्ड टू बर्ड, ठीक है, तो तुम्हें इतना कुछ लिखना भी नहीं है, देखा लास्ट में बर्ड, क्या देखा, अपेरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिगार्ड टू फिश, देखा लास्ट में फिश है, तुम्हें डायरेक्ट म्यू बी बाई म्यू एफ डायरेक्ट रेशियो निकल आ जाएगा, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं होगा, इतना महाभारत करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक का महत्व अब तुम्हें अच्छे समझ आया होगा, ठीक है, तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा था कि इसका जो ट्रिक का इम्पोर्टेंस है ये क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम सेविंग ये फॉर्मूला है, इस पर अच्छे से गौर करके इसको समझना, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसके अपने आप सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है, सारा इसलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, आई विल कवर ऑफ इट, डोंट वरी, ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एज, और जितना भी हो सके उतना चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।